आज असी प्रोटीन दे बारे च गल करांगे। घर दी औरत जिहड़ी सवेर दे नाश्ते तो लैके रात दे खाने तक तुहाडी सेवा करदी है, उहनूं इसदी बहुत जरूरत है। असी सब तो पहला पीनट्स, स्पेशली जिन्हां दे वाल झड़ रहे हों उन्हां लई ते सब तो वड्डी दवाई है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत है। मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हाँ, आहार विहार डाइट एंड वेलनेस क्लिनिक अमृतसर तो। आज असी प्रोटीन दे बारे च गल करांगे। प्रोटीन दा नाम सुनते ही सब नूं लगता है कि यह साडे नहीं जिम ले लोग जाते उन्हां वास्ते दी जरूरत है। हर इंसान जिहड़ा पूरे दिन च एक्टिविटी करता है, और सब तो जरूरी घर दी औरत जिहड़ी सवेर दे नाश्ते तो लैके रात दे खाने तक तुहाडी सेवा करती है, उहनूं इसकी बहुत जरूरत है। हर शरीर नूं भावें वह बच्चा होवे बुढ़ा होवे प्रोटीन की बहुत जरूरत है। प्रोटीन साडे वालां लई साडी स्किन लई बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शरीर नूं एनर्जी प्रोवाइड करता है, और बहुत महंगे महंगे पाउडर जिहड़े प्रोटीन दे मार्केट च आए हुए हैं, तो लोगों को लगता है कि आफ्टर जिम सिर्फ वही पाउडर्स जिहड़े हैं उन्हां दी मदद कर सकते हैं। सो अज असीं घर च प्रोटीन बनावांगे जिहड़ा सर्दियों इस्तेमाल किया जा सकता है। सो जो जो इनग्रीडियंट्स इहदे विच ने वो तुसीं देख सकते हो। असीं सब तो पहला पीनट्स, यह मूंगफली है जी पीनट, 100 ग्राम पीनट जिहड़ा है मूंगफली 25 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है। 25 ग्राम प्रोटीन असी इस दे विच, इस रेसिपी कोई भी तेल का इस्तेमाल नहीं करांगे, क्योंकि इन सब चीज़ों हेल्दी फैट ऑलरेडी मौजूद है। असी उस फैट का इस्तेमाल करके एक चम्मच एक बूंद भी घ्यो दी इहदे विच इस्तेमाल नहीं की जाएगी। सेकेंड दूसरी चीज़ है जी आलमंड्स, बादाम 35 ग्राम जिहड़ा बादाम है जी 7 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है। उस तो बाद जी है पंपकिन सीड्स, ये आजकल बिल्कुल बहुत ईजीली अवेलेबल ने। बहुत सारे लोग बायोटिन के बारे गल करते हैं, जो भी वालों झड़न की गल हुंदी है तो जो तुसी डॉक्टर को जानते हो पहली चीज़ तुहानू दसदे जी पंपकिन। कद्दू विच बायोटिन नैचुरल फॉर्म च पाया जाता है। सो असी इहदा इस्तेमाल करांगे इहदे लई। अलसी कौन नहीं पहचानदा इहनू, पर एक रिक्वेस्ट है इहदा इस्तेमाल सिर्फ सर्दियों च कीता जाए, क्योंकि ये गर्म होंदी है तो इंटेस्टाइन पर असर पाती है जो तुम गर्मियों से इनू इस्तेमाल करते हो। सो प्लीज़ वो लोग जो वेट लॉस लिए इस्तेमाल करते हैं वो गर्मियों से इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद करन। अगली जड़ी चीज़ है जी भुजा चना, भुजा चना खा चना रहे बना सब जानते हैं जिन्हों, रोस्टेड चना कहते हैं इनू। यह भी प्रोटीन का बहुत हेल्दी सोर्स है जी। सो चना, अलसी, पंपकिन, पीनट, मूंगफली एंड बादाम असी इहदा इस्तेमाल करांगे। मिठे लिए असी चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करांगे। असी इत्थे गुड़ का जैगरी गुड़ का इस्तेमाल करांगे जी। बस इन इहदा इस्तेमाल करने लिए तुसी यह करना है कि तुसी इनू 4 to 5 घंटे लिए पानी च भिओ देना है। भिओन तो बाद यह जदों इनू थोड़ा थोड़ा तोड़ लेना है तो गैस उत्ते जिवें असी चीनी की चाशनी बनाने ना उस तरह जी एक तार की चाशनी बना लेनी गुड़ की। यह सारिया मावं पिंडां च जानदियां ने, और मेरी रिक्वेस्ट है मुंडियां नूं जिहड़े स्पैशली पिंडां तों ने, जो भी प्रोटीन की गल हो ना अपनी नानी या दादी तो पूछा करो कि प्रोटीन की कर सकता है। और दूसरी गल वो सब तो बेहतर जानते हैं कि यह चीज़ा शरीर लिए कितनी जरूरी ने। जो असी करना है वो यह है कि असी इन सब चीज़ों इकट्ठे लेना है। ड्राई रोस्ट करना है इन्हां सब चीज़ों अच्छी तरह जी ड्राई रोस्ट करना है चंगी तरह। बड़ा जिहड़ा फ्लेम है वो बड़ा घट होना चाहिए, यह सड़निया नहीं चाहिए। जो अच्छी तरह यह सब चीज़ां रोस्ट हो जाए तो असी ब्लेंडर की मदद नाल यह पाउडर बना लेना है। यह पाउडर तैयार है जी, इन सब चीज़ों का पाउडर तैयार है। सो यह लड्डू जिहड़े हुण तैयार होने जा रहे हैं, असी यह सारा मिक्सचर जिहड़ा एक प्लेट च लवांगे। कोई घ्यो का इस्तेमाल असी इहदे विच नहीं किया, तुसी देख सकते हो। यह गुड़ का दस्सिया जिस तरह मैं तुहानू कि रात नूं भिओ लो या 4 to 5 घंटे नूं भिओ लो, उस तो बाद एक तार की चाशनी बना लेनी है। और यह असी इहदे विच पाउण जा रहे हैं इनू अच्छी तरह इहदे नाल मिक्स करांगे। जिन्नी जरूरत होए तुसी इनू पा सकते हो। सो असी इन्हों अच्छी तरह जब मिक्स करना है, किसी भी फैट दी इहदे लई जरूरत नहीं है।
से तुसी है छोटे छोटे लड्डू बनाने शुरू करने। तुसी आप देख सकते हो कि कई ऑयल की जरूरत है दली बिल्कुल नहीं है। सो यह जो लड्डू है एक लड्डू तुसी जिम तो बाद जो तुसी अपनी एक्सरसाइज खत्म कर दे हो उस एक्सरसाइज करन तो बाद एक लड्डू और घर दियाँ औरतां सवेरे दूध ना लै सकदियां नू या शाम नू जदों चाह पीन लगदियां उदों है एक लड्डू जिहड़ा है लै सकदियां। बच्चे जदों स्कूल जांदे ने जी उन्हां लई है एक लड्डू जाण तो पहले पूरे दिन दे वाइटमिनस प्रोवाइड करदा है उन्हां नू और स्पैशली जिन्हां दे वाल झड़ रहे होण उन्हां लई ते सब तो वड्डी दवाई है। सो यह जिम जिम लई जिम दे कसरत तो बाद तुसी इहदा इस्तेमाल रेगूलरली करो और वो बच्चे अपने अंदर ए डिफरेंस देखेंगे। स्पेशली वाल चढ़ते हो स्किन की कोई प्रॉब्लम होए कमजोरी रहती होए वो औरतें जिहड़ियां काम करने तो बाद कमजोरी फील कर दी हैं ए लड्डू और रोज़ एक लड्डू दूध नाल या शाम नू चाह ना लै सकते हैं। आई होप ए रेसिपी थोड़ी बहुत मदद करेगी। ए मेरी बहुत साल की रिसर्च तो बाद रेसिपी आई है और ए उन्हां सब लोगों लई जिहड़े सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ महंगा होए महंगा प्रोटीन ही इस्तेमाल किया जा सकता है शरीर की ताकत लई ए बहुत बहुत टेस्टी है बहुत ही ज़्यादा स्वाद ने इहदा टेस्ट बहुत अच्छा है। तुसीं खाओगे तुहाडा दिल करेगा कि दूसरा भी चुक लां पर इहदी डोज़ एक लड्डू ही है एक टाइम ते। आई होप यह चीज़ तुहाडी बहुत मदद करेगी। इहदे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होए तुसीं सानूं कंटैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।